हेलो एवरीवन, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आप 10,000 रुपये के अंदर कौन कौन से फ़ोन ख़रीद सकते हैं। वैसे तो हम किसी को भी बता देते हैं कि आप ये वाला फ़ोन ख़रीद लेना, आप वो वाला फ़ोन खरीद लेना, लेकिन जब हम खुद लेने जाते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन हम ख़रीदें। तो आज इसी वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेस्ट 5 फ़ोन्स, तो आप 10,000 रुपये के अंदर ख़रीद सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये कुछ फ़ोन्स हैं जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। जो फर्स्ट फ़ोन है हमारे पास वो है रेडमी का नोट 5। चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। जो आपको डिस्प्ले मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5.99 इंच का। प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 625 वाला। फ्रंट कैमरा जो है इसका 5 मेगापिक्सल का है। रेयर कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और जिसमें वेरिएंट है वो 3GB 32GB रोम वाला है। और इसमें आपको मिल जाता है 2.5D कर्व ग्लास सामने की तरफ, और पीछे की तरफ मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर। मैंने इनका लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको फ़ोन अच्छे लगे तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड फ़ोन है वो भी रेडमी का ही रेडमी 5 है। तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार मिलती है। इसमें आपको 5.7 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 450 वाला। आगे की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जो बैटरी कैपेसिटी है इसमें वो है 3300 mAh की बैटरी। तो फ़ोन देख सकते हैं आप, फ़ोन में क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की स्क्रीन की, और आप इसे आराम से 10,000 रुपये के अंदर ख़रीद सकते हैं। आगे की तरफ आपको इसमें 2.5D कर्व ग्लास मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड फ़ोन है वो भी रेडमी का ही रेडमी नोट 4 है। आप बोलोगे ये तो फ़ोन बड़ा पुराना है, आप अभी क्यों इसका रिव्यू कर रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो, लेकिन अभी भी इसकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। आपको इसमें 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है वो मिल जाता है स्नैपड्रैगन 625 वाला। इसमें आगे की तरफ आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, पीछे की तरफ मिल जाता है आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो इसकी बैटरी है वो 4100 mAh की बैटरी है। आप इसे भी 10,000 रुपये के अंदर ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ फ़ोन है वो है सैमसंग का ऑन नेक्स्ट। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको मिल जाता है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले। प्रोसेसर मिल जाता है 1.6 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। बैक कैमरा जो दिया हुआ है 13 मेगापिक्सल का है। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो है 3300 mAh की बैटरी, और आपको ये मिल जाता है 3GB वेरियंट में। तो ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है सामने की तरफ। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट फ़ोन है वो है पैनासोनिक का रे 550। इसकी भी स्पेसिफिकेशन काफ़ी दमदार है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है 5.7 इंच का HD डिस्प्ले। इसका जो प्रोसेसर है वो है 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। इसका जो आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है वो मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। बैक कैमरा मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, और ये एंड्रॉयड नोगट पे काम करता है 7.0 पर इसके। और ये इस फ़ोन में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है पीछे की तरफ, और जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो भी 3250 mAh की है। तो ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, इसका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, और मैंने इन सब फ़ोनों का रिव्यू किया हुआ है, मैंने इनका अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है। अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस देखनी है तो मैं इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उनके लिंक, और आप देख सकते हैं इस फ़ोन के बारे में, इन सभी फ़ोनों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।